जगदलपुर थाना क्षेत्र अंतर्गत कुम्हारपारा श्यामा प्रसाद वार्ड निवासी करण पटेल के द्वारा पीड़िता के इंस्टाग्राम में फोटो भेजकर बदनाम करने की धमकी देने वाले आरोपी करण पटेल को पुलिस ने गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर जेल दाखिल करा दिया है। कांकेर जिला पुलिस ने बस से यात्रा कर रही बुजुर्ग महिला के गले से सोने का नेकलेस चोरी करने वाली 5 महिलाओं कुठोबाई गिरी गोस्वामी, लोहरीनबाई, दूजबाई अंजलि और रामबाई गिरी गोस्वामी को गिरफ्तार कर मसरूका बरामद कर लिया है। मोहला मानपुर अम्बागढ़ चौकी जिले के डोमीकला बेस कैंप में रविवार सुबह एक आरक्षक ने खुद को गोली मारकर आत्महत्या कर ली। घटना औंधी थाना क्षेत्र की है। आरक्षक बेदराम ने अपनी सर्विस राइफल से खुद को गोली मार ली। फिलहाल आत्महत्या की वजह का पता नहीं चल सका है। चाइल्ड पोर्नोग्राफी का वीडियो सोशल मीडिया में अपलोड करने के मामले में दुर्ग पुलिस ने कार्रवाई करते हुए नंदनी थाना क्षेत्र अंतर्गत ग्राम कुड़िया आईवारा से सचिन बंजाले को गिरफ्तार किया है, जो पिछले 5 वर्षों से दूसरे के नाम पर सिम लेकर सोशल मीडिया में अश्लीलता फैला रहा है। जांजगीर जिला हसौद थाना पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर ग्राम बुड़गहना और सरायताल के कई ठिकानों पर रेड कार्रवाई कर आरोपी रमेश कुमार परेट, संतोष कुर्रे, कृष्ण कुमार कश्यप, प्रवीण कुमार कुर्रे और अभिमन्यु कुर्रे को अवैध डीजल बिक्री के साथ पकड़कर आरोपियों के कब्जे से 3100 लीटर डीजल कीमत 2,95,000 रुपए एवं घटना में प्रयुक्त 3 वाहन, 2 पिकअप एवं बोलेरो की कीमत 16,00,000 रुपए को बरामद किया। बिलासपुर के सरकंडला थाना पुलिस ने अपराधियों के खिलाफ विशेष अभियान चलाकर सरफू उर्फ सरफरोज, दीपक ध्रुव डोकरा सिरवास उर्फ गोलू डोकरा और राम कुमार यादव को पकड़कर उनके पास से तलवार व चाकू जब्त किया है। राजधानी रायपुर के डीडी नगर पुलिस ने एक महिला ठग पलक कटवानी को गिरफ्तार किया है। इस महिला ठग ने घर की खराब परिस्थितियों का हवाला देकर प्रार्थी सुंदर नगर निवासी धर्मेंद्र सिंह से धीरे धीरे कर 90,00,000 रुपए ले लिए, फिर बाद में पैसा देने से इनकार कर दिया। 2 सालों तक घुमाने के बाद अब मामले में FIR दर्ज कर आरोपी महिला को गिरफ्तार कर लिया गया है। बिलासपुर की कोटा थाना क्षेत्र अंतर्गत बेलगहना चौकी पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर बस स्टैंड के पास धारदार चुटकी लेकर लोगों को भया दोहन कर रहे कोलाराम कुमार को धारदार हथियार के साथ गिरफ्तार कर लिया है। बिलासपुर जिले के कोटा थाना क्षेत्र के बेलगहना चौकी पुलिस ने जमीन विवाद को लेकर प्रार्थी पर जानलेवा हमला कर फरार होने वाले 2 आरोपियों के साथ एक नाबालिग को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपीगण 1 अक्टूबर को ग्राम कोंचरा निवासी आरोपी नंदास वैष्णव और गिरिवर वैष्णव तथा एक आबचारी बालक ने जमीन विवाद को लेकर प्रार्थी भगवत गंधर्व पर डंडे और छड़ से जानलेवा हमला कर मौके से फरार हो गए थे। मुखबिरी के आरोप में 2 ग्रामीणों राजू मोडियम और दुला कोडमे की हत्या कर उनकी पत्नी के सामने गला घोट कर दी। नक्सलियों के दहशत का आलम ऐसा है कि मृतकों के परिजन उनकी सूचना पुलिस को नहीं दे रहे हैं। नारायणपुर जिले के देवगांव हुचाड़ी के जंगल पहाड़ में पुलिस और नक्सलियों के मध्य भयंकर मुठभेड़ हुई है, जिसमें पुलिस पार्टी को भारी पड़ता देख नक्सली घने जंगल पहाड़ी का फायदा उठाकर भाग गए। पुलिस बल ने सर्चिंग के दौरान घटनास्थल से देसी BGL, 12 बोर राउंड कोडेक्स वायर, एयर गन राउंड, मल्टीमीटर, सोल्डिंग आयरन, कुछ पिट्टू बैग, रेडियो सेट, कैलकुलेटर, बैटरी, वायर कटर, नक्सली वर्दी, नक्सली साहित्य एवं खाना बनाने के बर्तन से दैनिक उपयोगी सामान को जब्त किया है। बेमेतरा जिले के नवागढ़ थाना क्षेत्र के ग्राम मातापारा के शारदा मंदिर से पीतल का 3 घंटा, सोने की नथली, बिंदिया व अन्य सामग्री चोरी करने वाले 3 आरोपी सुभाष मेहना, अभिषेक गायकवाड़ तथा बबलू उर्फ पुष्पराज खंडेलवाल को पकड़कर चोरी का सामान बरामद कर लिया है।
रायपुर की थाना कोतवाली पुलिस की टीम ने थाना क्षेत्र अंतर्गत रविंद्र मंच के पीछे नेहरू नगर में हाथ में धारदार चाकू लेकर आम लोगों को आतंकित करने वाले आरोपी मोहम्मद मखलूक उर्फ अनस को गिरफ्तार कर उसके कब्जे से एक धारदार चाकू जब्त किया है। रायगढ़ की जूट मिल थाना पुलिस ने थाना क्षेत्र के बिट्टू मुड़ा मेहर गली सामुदायिक भवन के पास रहने वाले गोवर्धन प्रसाद माली मोबाइल टेलीकॉम में सर्विस इंजीनियर के घर में घुसकर लैपटॉप मोबाइल और नकद 10,000 रुपए की चोरी करने वाले एक नाबालिग सहित दो आरोपियों को चोरी के मोबाइल लैपटॉप के साथ पकड़ लिया है। कुछ दिन पूर्व बिलासपुर के बजपेड़ी थाना क्षेत्र के ग्राम मानी कचोरी में गोलीकांड की घटना को अंजाम देकर फरार होने वाले चार आरोपी उमेश श्रीवास, राहुल तिवारी, जय सिंह चौहान और अंकित वर्मा को मुखबिर की सूचना पर गिरफ्तार कर के कब्जे से 2 नग 7.6 एमएम पिस्टल, 6 जिंदा राउंड 312 बोर के 2 देसी कट्टे व 2 जिंदा राउंड व 1 नग 12 बोर का देसी कट्टा व 2 नग एयर पिस्टल जब्त किया। रायगढ़ जिले के ललंगो थाना पुलिस की टीम ने कापी व गरियाबंद जिले की राजीव पुलिस के साथ मिलकर कापू व पत्थल गांव क्षेत्र में दबिश देकर ललंगो के SBI बैंक के सामने बाइक से 10,000 रुपए तथा राजीव के PNB बैंक के बाहर उठाईगिरी करने वाले नट गिरोह के संजय नट और बाबू सिंह नट को गिरफ्तार किया है। कोरबा जिले की पाली थाना पुलिस ने चैतुरगढ़ जेमरा पहाड़ के ऊपर जुआ खेल रहे जुआरियों के अड्डे पर दबिश देकर 15 जुआरियों को पकड़कर उनके पास से 3,10,000 रुपए नकद, 30 दो पहिया व 4 पहिया वाहन जब्त किया है। पुलिस ने दो पहिया वाहनों को ट्रैक्टर में लोड कर पाली थाना लेकर पहुंचे। बीजापुर से एक बड़ी घटना निकलकर सामने आई है। नक्सलियों ने बीजापुर मुख्यालय से 55 किलोमीटर दूर तर्रेम थाना में पदस्थ SI राजेश सूर्यवंशी को गोली मारी है। नक्सलियों ने पंचायत भवन के सामने गोलियों की बौछार की। इस गोली में पुलिस कर्मी घायल हो गया। एडिशनल SP चंद्रकार गवारना ने हमले की पुष्टि की है। रायगढ़ की कोतवाली थाना पुलिस और जूट मिल थाने के स्टाफ ने संयुक्त कार्रवाई कर मुखबिर की सूचना पर एक होटल में दबिश देकर करण चौधरी, मोहम्मद वसीम, मोहम्मद जावेद, दीपक अग्रवाल, काना अग्रवाल, अविनाश सिंह व सुधीर अग्रवाल को पकड़कर उनके पास से 2,94,000 रुपए नकद व 8 मोबाइल जब्त किया है। बालोद जिले के देवरी थाना पुलिस ने रविवार को वाहन चेकिंग के दौरान मुखबिर की सूचना पर राजनाथ गांव की ओर से बालोद जिले में लाई जा रही अवैध शराब से भरे वाहन को चेक कर 1,07,000 रुपए कीमत का 20 पेटी अंग्रेजी शराब जब्त कर आरोपी सुरजीत सिंह फरीद नगर सुखेड़ा थाना मिलाई को गिरफ्तार कर लिया है। कांकेर जिले के ग्राम बारदेवरी में 17 साल की एक स्कूली छात्रा ने जहर खाकर आत्महत्या कर ली। छात्रा की मौत के बाद उसकी सहेलियों ने परिजनों को बताया कि वह स्कूल के प्रिंसिपल कृष्ण शरण तिवारी की प्रताड़ना से परेशान थी। प्रिंसिपल ने छात्रा की पिटाई भी की थी। परिजनों समेत भारी संख्या में ग्रामीण प्रिंसिपल के खिलाफ थाने में FIR करवाने पहुंचे और प्रिंसिपल के खिलाफ कार्रवाई करने। धमतरी जिले के आबकारी विभाग की टीम ने लंबे समय बाद अवैध रूप से शराब बनाने वालों पर कार्रवाई की। बोदल बहरा स्थित नाले के पास छिपा कर रखे 3 टन महुआ और 65 लीटर शराब को जब्त कर 3 अन्य स्थानों पर भी कार्रवाई की। महासमुंद जिले में बागबहरा वन परिक्षेत्र के आमाकोनी सर्किल के कक्ष क्रमांक 155 के जंगल से पेड़ काटकर खेत बनाकर कब्जा करने वाले 19 महिला और 19 पुरुष कुल 48 ग्रामीण को अधिकारी कर्मचारियों ने गिरफ्तार कर वन प्रशिक्षण शाला महासमुंद लाया, जहां उनका स्वास्थ्य परीक्षण करा के आगे की कार्रवाई की गई। चांद
नागिन पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर रविदास चौक में अवैध पटाखा भंडारण करने वाले मुस्तफा खान के गोदाम में छापा मारकर 1,50,000 रुपए कीमत का 130 किलो अवैध पटाखा जब्त कर लिया है। मुस्तफा खान इससे संबंधित कोई वैध दस्तावेज नहीं दिखा सका। शासकीय रेलवे पुलिस में नवगठित बिलासपुर जीआरपी की एंटी क्राइम यूनिट टीम ने अमरकंटक एक्सप्रेस के जनरल बोगी में एक यात्री अरुण समुद्र से 10 बोतल शराब जब्त की है। यात्री को भाटापारा रेलवे स्टेशन में उतार लिया गया और टीम ने वहां जब्त शराब व आरोपी को जीआरपी के हवाले कर दिया। कांकेर जिले के अंतरगढ़ ब्लॉक के चरगांव में नक्सलियों ने रविवार की रात 2-4 पहिया सहित 5 वाहनों को आग के हवाले किया है। इसकी पुष्टि कांकेर एसपी सलभ सिन्हा ने की। नक्सलियों ने नारायणपुर के ओरछा मार्ग पर झोनी गांव के पास ब्लोइंग मशीन और ट्रैक्टर को आग के हवाले किया था। इसके अलावा बीजापुर में नक्सलियों ने पुलिस कर्मी पर गोलियां बरसाई थी। इससे इलाके में खौफ का माहौल है।